उत्तरकाशी में पौराणिक और ऐतिहासिक माघ मेले का आगाज हो चुका है। इस 9 दिवसीय माघ मेले का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। वहीं ऐतिहासिक महत्व के तहत यह मेला भारत और तिब्बत के व्यापार का साक्षी रहा। बता दें कि इस मेले का उद्घाटन धार्मिक रूप से कंदर देवता और हरि समाज जी की डोली करती है। इसी कड़ी के तहत रामलीला मैदान में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान द्वारा रिबन काटकर इस मेले का प्रत्यक्ष रूप से शुभारंभ किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक समय में यह माघ मेला अपने रिश्तेदारों से मिलने का मुख्य केंद्र हुआ करता था। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी और उत्तराखंड राज्य के हर एक नागरिक को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आप माघ मेले को जिसको बाड़ा हाट कथोलू के नाम से जाना जाता है उसका अपना एक प्राचीन इतिहास है। उस मेले के बारे में प्राचीन काल से ये माना जाता है कि माघ मेले को जो कि बाड़ा हाट कथोलू है भारत तिब्बत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसकी उद्गम स्थान इस बाड़ा हाट को माना जाता था। और आज बड़ा मेला हमारा शुरुआत है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिला पंचायत अध्यक्ष को और उनके सभी जो सदस्यगण हैं जो कम समय में आपने अच्छी व्यवस्था की और मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ये मेला भव्य रूप दिया जाएगा। और ये मेले के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगी जो हमारे समस्त हमारे महिला मंडल दल और हमारे युवा मंडल दल जो हमारे स्थानीय जो और उनके जो माँ गंगा के अधिकारी हैं वो ही मंच पर रहेंगे, अन्यथा आप लोग प्लीज का बहुत बड़ा महत्व मंच से बाहर और पंडाल में बैठने का कष्ट करेंगे। और इस मेले में हमारे तमाम पूरे जनपद और पूरे प्रदेश से कई श्रद्धालु आते हैं। और इसके टिकट हमने फोर्स मांगा है जनपद उत्तरकाशी जनपद से और जनपद से फोर्स आया करता हूँ और हमने फॉरेस्ट की फोर्स मिली है होमगार्डी प्लाटून बी एस और पी आर डी जगह जवाब भी हमने लिए हैं। मेरे क्षेत्र में हमने चार सेक्टर बनाए, चारों सेक्टरों में हमने एस आई स्तर का अधिकारी को प्रभारी बना रखा।